हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं घर से अपने बहुत दूर आई हूं, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि मैं क्या बनाने वाली हूं। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां बच्चे खेल रहे हैं और मिट्टी से खेल रहे हैं। ऐसे मैं भी अपने बचपन में खेलती थी, तो इन्हें देखकर मैं रुक जाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इन्हें देखकर। ये मिट्टी से गोल गोल बनाकर उसे पटाखे की तरह बुलाते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। तो यहाँ दूर दूर बहुत खेत ही खेत है, तो इधर जो रुपाई हो रही है धान की, उन्हीं के ये बच्चे हैं, तो ये इकट्ठे होकर खेल रहे हैं यहाँ पर। और इस समय जो बारिश हो रही है, तो चारों तरफ गीली मिट्टी मिलती है, उसी गीली मिट्टी से ये खेल खेल रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं सावन का महीना है और बाबा भोलेनाथ का दिन है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सावन के महीने में। चारों तरफ बारिश भी है और चारों तरफ हरियाली भी है, बहुत खूबसूरत लगता है इतनी दूर आने के बाद। मैंने आपको ये जगह एक बार और दिखाई थी, उस समय गेहूं की बुआई हो रही थी, तो इतनी हरियाली नहीं रहती है। और मैंने वेज बिरयानी बनाई हुई थी, आप मेरा वीडियो वाला देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ रेसिपी बनाने के लिए। यहाँ जो है करेम है, जो नारी का साग जिसको बोलते हैं, और हमारे यहाँ करेमुआ बोलते हैं, तो वो लेने में आ गई हूँ। तो यहाँ से मैं जो अच्छे अच्छे करेमुआ हैं उसको देखकर मैं ले लेती हूँ। तो करेमुआ की जो ऊपर की डंठल होती है, नरम नरम मुलायम मुलायम, वही हम तोड़कर ले लेते हैं। तो करेमुआ का साग बहुत ही बढ़िया बनता है, तो मैं करेमुआ का साग नहीं बनाने वाली हूँ। आज मैं करेमुआ की जूड़ी बनाने वाली हूँ, जो यहाँ पर करेमुआ की जूड़ी बोलते हैं, उसे बनाने वाली हूँ। और एक बात मैं बता दूं कि करेमुआ गांव घरों में नहीं बोया जाता है, ये ताल पोखरों के किनारे ही उगता है और बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है। गर्मियों के दिनों में ये आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, जैसे ही बरसात होती है उसी टाइम ये करेमुआ अपने आप फैलने लगता है। और मैं आपको बता दूं कि करेमुआ एक औषधीय पौधा है, क्योंकि आप देख सकते हैं गर्मियों में ये बिल्कुल भी नहीं दिखा देता है, सूख जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है वैसे ही ये सूखी डंठल से भी उगकर तैयार हो जाती है इसकी जड़ें। तो चलिए, हमने ज़रूरत के हिसाब से करेम ले ली है, अब मैं घर चलती हूँ। तो यहाँ मैं करेम को लेकर घर आ गई हूँ, तो इसको धो करके मैंने बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम करेम को बारीक बारीक काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको बारीक काटा हुआ है, इसी तरह से आप काट लीजिए। प्याज का मैंने छिलका उतार कर रख लिया है और उसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है, तो इसे भी मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। मैंने ज़्यादा बड़े प्याज तो नहीं लिए हैं, लेकिन 7-8 प्याज मैंने लिए हुए हैं छोटे में। तो मैंने करेम को काट लिया है और प्याज को भी काट लिया है। तो ये देखिए, मैंने दाल उड़द की दाल ली हुई है, इसे मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसे मैंने धोकर के बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। 2-3 पानी से मैंने इसे धोया हुआ है। तो सबसे पहले सिलबट्टे पर रखते हैं जीरा, जीरा 1.5 चम्मच मैंने लिया हुआ है। अब इस पर रख देते हैं एक अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च रख देती हूँ 2-3, लहसुन छील कर मैंने बहुत सारे ले रखे हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें रख देते हैं थोड़ी सी हींग, 2 चुटकी के करीब हींग रख लेते हैं। और सबसे पहले इसे हम पीस लेंगे, तो सबसे पहले इसी को हम पीस कर तैयार करेंगे। तो अब उड़द की दाल को सिलबट्टे पर रख लेते हैं, इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना है।
तो ये देखिए उड़द की दाल को मैंने पीस कर रख लिया है। तो करेम के साग में हम उड़द की दाल जो हमने पीस कर रखी हुई थी वो रख लेते हैं इसमें। कटे हुए प्याज को रख लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मसाले बता देती हूँ। तो ये हल्दी पाउडर लिया हुआ है, अजवाइन लिया हुआ है हमने, और ये हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है, लाल मिर्च का पाउडर लिया हुआ है, और ये हमने अमचूर पाउडर लिया हुआ है, और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। अब हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें डाल लेते हैं हल्दी पाउडर, अजवाइन डाल लेते हैं, और ये हमने धनिया पाउडर लिया था वो डाल लेते हैं इसमें, लाल मिर्च डाल लेते हैं, और ये हमने अमचूर पाउडर लिया हुआ था वो डाल लेते हैं इसमें, थोड़ा खट्टापन रहेगा तो अच्छा लगेगा, और ये हम इसमें गरम मसाला डाल लेते हैं। अब हम इसको धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेते हैं इसमें। अभी आपको देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसको जैसे ही धीरे धीरे आप मिलाते जाएंगे ये कम होता जाएगा। अभी हम इसमें नमक नहीं मिलाएंगे, नमक मैं थोड़ी देर बाद मिलाऊंगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। तो इसके बाद हम नमक डालेंगे, क्योंकि पहले अंदाज़ा नहीं मिलेगा कितना ये होगा ये, तो इसीलिए मैंने इसको बाद में नमक डाला है। तो अब मैं नमक को मिला लेती हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिला कर रख लिया है। तो अब हमने सारी चीज़ों को मिला लिया है, तो हाथों में थोड़ा सा ये मिक्सर लेते हैं, और आप देख सकते हैं इसे गोल गोल आप बना लीजिए, और थोड़ा सा चिपटा हाथों से कर लीजिए, बहुत ही हल्के से इसे चिपटा करना है, बस इसी तरह से बना लीजिए। और मैं आपको बता दूँ ये बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, जैसे ही आप तलते जाएंगे ये बच्चे आपके मांग मांग कर खाते जाएंगे, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे बनाया हुआ है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं इसे, गोल गोल भी बना सकते हैं, किसी भी आकार की तरह आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे हाथों में हल्का सा पानी लगा लेंगे तो ये और भी जल्दी बन जाएगा। तो ये देखिए चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें डालते हैं रिफाइंड ऑयल, आपको जो खाने वाला तेल पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो तेल हमारा जब मीडियम गर्म हो जाए तो उसमें ये जूड़ी जो हमने बनाकर रखी हुई है वो इसमें डाल देंगे। ज़्यादा गर्म तेल में इसे नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तुरंत ही ख़राब हो जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। तो इसे हम हल्के हाथों से धीरे धीरे, जब ये एक तरफ से हो जाए तो इसे हम पलट देंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसे छुड़ाना पड़ता है, क्योंकि इसमें उड़द की दाल पड़ी हुई है, तो लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है ये बन जाने के बाद। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये पक चुका है, बहुत ही अच्छे से आप देखने में लग रहा होगा कि ये पक चुका है। तो इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। इसी तरह हम दोबारा बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोबारा भी नीचे से जब हो जाए तो इसे पलट दें आप। इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है, बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए ये वाला भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ये भी हमारा जो है दोनों तरफ से पक चुका है। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और भी हमने जूड़ी बनाई हुई है तो उसे भी हम तलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारी जूड़ी को हमने तैयार कर लिया है, तो बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हुआ है, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ।
बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में उतने ही टेस्टी हैं। आप ज़रूर बनाकर देखिएगा इसको। करेम का साग मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।